हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HTET के न्यू नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस एग्जाम के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहां पर आपको इस एग्जाम के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट HTET 2024 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 4 नवंबर 2024 से 14 नवंबर 2024 तक अप्लाई कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस एग्जाम के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर अप्लाई ऑनलाइन का ये लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा का ये ऑफिशियल पोर्टल खुलेगा। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर फोन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड एंटर करना है और लॉगिन की इस टैब पर क्लिक करके अपना फॉर्म अप्लाई कर देना है। और अगर आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको नॉट हैविंग अकाउंट रजिस्टर इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। यहाँ पर आकर आपको सबसे पहले अपना नाम एंटर करना है, फिर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, उसके बाद आपको अपनी मदर का नेम एंटर करना है, अपना फोन नंबर आपको एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से, अपना जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, फिर आपको यहां पर अपना कोई ID सेलेक्ट कर लेनी है, आधार या फिर पैन कार्ड उसका नंबर आपको एंटर करना है, अपना ईमेल एड्रेस आपको एंटर करना है और यहां पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड यहां पर आप कोशिश करें कि आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में रहे, मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @#, या फिर डॉलर होना चाहिए। इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको रजिस्टर की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस तो होगा। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सबमिट किया गया है SMS के थ्रू। आपको वो OTP यहां पर एंटर करना है और फिर कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और अब यहां पर आपको गो टू लॉगिन इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको प्रोवाइड कराया गया है वो आपको एंटर करना है, या फिर आपको अपना फोन नंबर यहां पर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है, और फिर आपको लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप प्राइमरी टीचर लेवल 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर लेवल 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लेवल 3 के लिए अप्लाई करना चाहते हो, या फिर आप तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। यहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस भी लेवल की टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो ऑप्शन सेलेक्ट करें, और फिर यहां पर अगर आप लेवल 2 ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। ऐसे ही आपको लेवल 3 में भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे जिन लेवल के लिए आप टीचिंग करना चाहते हैं। यहां पर आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करें और फिर आप यहां पर सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहां पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देनी है। कुछ डिटेल्स यहां पर आपको आपकी ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी। अब यहां पर आपको अपनी कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम आप एंटर करें। उसके बाद यहां पर आप अपना एरिया सेलेक्ट कर ले, आप रूरल एरिया से हैं या फिर अर्बन एरिया से। नेक्स्ट यहां पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल है, अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहां पर आपको उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट यहां पर आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करें, जिस भी डिस्ट्रिक्ट को आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं यहां पर उसे सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो यहां पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहां
पर आपको अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले बैंक का नेम, उसका आईएफएससी कोड, अपना अकाउंट नंबर और फिर बैंक नंबर यहां पर आपको एंटर करना है। उसके बाद यहां पर गाइड आपको अपना फोटो सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करने हैं। यहां पर आपका फोटो 50 KB और आपके सिग्नेचर 20 KB से कम होने चाहिए और आपका लेफ्ट थंब का जो इंप्रेशन है वो 50 KB से कम होना चाहिए। आपको यहाँ पर अपलोड फाइल इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना फोटो सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इंप्रेशन 1x1 करके अपलोड कर देना है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहां पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइज हम यहां पर आपको प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। प्राइमरी टीचर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, प्लस आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है एलिमेंट्री एजुकेशन में या फिर स्पेशल एजुकेशन में, या फिर आपके पास BEED की 2 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है। तो यहाँ पर इस क्वालिफिकेशन को फिल करने से पहले सबसे पहले आपको अपनी 10वीं और फिर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर 10वीं क्लास की डिटेल देते हुए सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर करना है, फिर आपको अपने बोर्ड का नाम एंटर करना है, पासिंग ईयर यहाँ पर आपको देना है, किस साल में आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, कितने परसेंट मार्क्स या फिर ग्रेड आपने कौन सी यहाँ पर ऑब्टेन की है वो यहाँ पर एंटर करें, कितने परसेंट मार्क्स यहाँ पर अगर आपने परसेंटेज में मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो एंटर करें, ग्रेड या डिवीजन यहाँ पर आप अपनी सिलेक्ट करें या एंटर करें। उसके बाद ऐसे ही आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करा देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपने डिप्लोमा या फिर स्पेशल एजुकेशन हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है उसकी डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एग्जामिनेशन लेवल पास आउट बताना है, कौन सा एग्जाम या फिर स्पेशल एजुकेशन आपने पास आउट की है, जैसे कि BE या फिर एड आपने यहाँ पर पास आउट की है तो उसका रोल नंबर आपको एंटर करना है, इंस्ट फ्रॉम विच पास, कौन से इंस्टीट्यूट से आपने पास आउट की है उस इंस्टीट्यूट का नाम आपको एंटर करना है, फिर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करना है, पासिंग ईयर देना है, किस साल में आपने अपने ये स्पेशल एजुकेशन पास आउट की है, मार्क्स की ग्रेड आपको बतानी है, कितने परसेंट मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें, फिर आपने कौन सी ग्रेड या डिवीजन यहाँ पर ऑब्टेन की है वो आप एंटर करें। इस तरह से अगर आपके पास एक से ज़्यादा हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आप प्लस के इस बटन पर क्लिक करके एक और रो ऐड कर लें और अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करा दें। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, उसके बाद आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके कर देना होगा, ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा, आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो अब यहाँ पर आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट एंड डिक्लेरेशन इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को ओके करना है, आपकी कैटेगरी और पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करने के बाद पे ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको पेमेंट इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप QR कोड के थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर आप UPI QR के थ्रू भी अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। QR के थ्रू अगर आप पेमेंट करना चाहते हो तो आप शो QR ऑप्शन पर क्लिक करें, आपको यहाँ पर ये QR कोड शो हो जाएगा, इसे अपने किसी भी गूगल पे या फिर फोन पे किसी भी UPI ID से स्कैन करें और अब पे नाउ बटन पर क्लिक करके अपना फीस पेमेंट कर दें। फीस पेमेंट होते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंटआउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप हरियाणा TET 2024 एग्जाम के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।